उत्तराखंड में लगातार दूसरी भाजपा सरकार बन गई है। बीजेपी ने यह इतिहास रचने के अलावा एक और ऐतिहासिक काम किया है। दरअसल विधानसभा में रीतू खंडूरी को पहली महिला स्पीकर के रूप में मौका दिया गया है। उत्तराखंड में धामी सरकार 2.0 का आगाज हो चुका है। पहाड़ पर ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी की शक्ति का एहसास शपथ ग्रहण समारोह में भी भरपूर तरीके से देखने को मिला। लेकिन इसी के साथ उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में भाजपा ने एक नया अध्याय भी जोड़ दिया है। रितु खंडूरी के रूप में उत्तराखंड को अपनी पहली महिला विधानसभा स्पीकर मिल गई है। ये कदम दर्शाता है कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण को कितनी तवज्जो देती है और ये कदम उसे 2024 में भी पहाड़ की महिला वोटर्स को साधने में मदद कर सकता है। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर रितु महेश्वरी नैनीताल में 29 जनवरी 1965 को जन्मी। वो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 2017 में यमकेश्वर सीट से उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता। फिर 2022 में इस बार वो कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ी और जीत हासिल की। रितु खंडूरी को उत्तराखंड बीजेपी का मजबूत महिला चेहरा माना जाता है। रितु खंडूरी को विधानसभा स्पीकर बनाने का फैसला लेकर उत्तराखंड में भाजपा ने नया इतिहास लिख दिया है। यकीनन इस फैसले का संदेश दूर तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। देहरादून से सीएम पुष्कर धामी का वर्क मोड शुरू हो चुका है आज से। जी हां, आज विधानसभा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर धामी। शपथ के बाद पहली बार विधानसभा जाएंगे और इसीलिए आज का दिन बेहद खास है। सीएम धामी आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की औपचारिकताएं भी दूसरी तरफ पूरी हो जाएंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, चूंकि आज से सीएम धामी का वर्क मोड शुरू हो जाएगा। आज विधानसभा पहुंचेंगे सीएम धामी। शपथ के बाद ये पहली बार होगा जब विधानसभा जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की औपचारिकताएं भी पूरी की जाएंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ पहाड़ को पहली महिला स्पीकर आज मिल जाएगी 11 बजे के करीब। ये जो पूरी है औपचारिकताएं उन्हें पूरी कर लिया जाएगा। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त देहरादून से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आज का दिन उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज उत्तराखंड को पहली महिला स्पीकर मिलने जा रही हैं रितु खंडूरी के रूप में। देखिए, बिल्कुल, उत्तराखंड की राजनीति के परिदृश्य से देखें तो साल 2022 काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां एक तरफ इस साल में मिथक मिथक टूट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक नया राजनीतिक इतिहास, एक नया अध्याय भी जुड़ रहा है। और वो ये है कि रितु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी। अब महज औपचारिकताएं शेष है, क्योंकि एक ही नॉमिनेशन हुआ और वो रितु खंडूरी का हुआ है। अपने आप में देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की पुत्री है, पहले विधायक रह चुकी हैं, अब भी विधायक हैं, और अब उन्हें एक बड़ा मौका मिल रहा है, बड़ा अवसर मिल रहा है कि वो अब विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रितु खंडूरी है, और साफ है कि रितु खंडूरी के चेहरे को विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर पेश करते हुए बीजेपी ने एक बड़ा संदेश उत्तराखंड में दिया है। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से भी कि इस बार चुनाव में मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया है, अपना आशीर्वाद दिया है और बीजेपी महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करेगी, तो ठीक वो बांगी यहाँ पर नजर भी आ रही है। एक कैबिनेट मंत्री पहले ही शामिल हो चुकी हैं धामी कैबिनेट में, और अब एक और महिला रितु खंडूरी वो विधानसभा अध्यक्ष। बिल्कुल, और कुलदीप दूसरी तरफ आज से सीएम धामी का भी वर्क मोड शुरू होने जा रहा है, विधानसभा जाएंगे आज। देखिए, शपथ ग्रहण के बाद जो कैबिनेट की बैठक हुई थी वो भी विधानसभा में हुई थी, और पहली ही कैबिनेट की बैठक में पहला ही बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की कैबिनेट ने लिया था, जो वादा किया था उस वादे की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बनाने की दिशा में एक कमेटी के गठन को मंजूरी कैबिनेट ने दी थी। आज मुख्यमंत्री भी विधानसभा पहुंचेंगे और जो निर्वाचन होगा विधानसभा अध्यक्ष का, प्रोटेम स्पीकर आज उनको उनके बीच पर आसीन कर पाएंगे, बिठाएंगे, और आज से एक नया विधानसभा अध्यक्ष, महिला विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। ये फिलहाल कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, विधायक भी रहेंगे। ठीक है कुलदीप, आप बने रहे, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ कुछ और खबरों पर भी अपडेट आपसे।